हरविंदर पंडाल का नावल मैली मिट्टी का दूसरा भाग उडारी का अगला हिस्सा। ब्रैड क्रम्स ला के तंदूर च भुनिया मुर्गे दियां टंगा, सुनहरी मसाले वाले चीज़ टिक्के, बारबीक्यू कीते चिकन विंग्स, खुशवंत तंदूरी बाइट्स दियां रोशनियां चो झाकदियां मूरतां देखदा होया अगे लंघ गया। इस रेस्टोरेंट दे अपने शबाब ते आउण विच कुछ ही देर सी। दो तीन स्कूटर मोटरसाइकिल बाहर पार्किंग च खड़े दिस रहे सन। बाहर पीला हरा गाउन जिहा पाई एक मुंडा उनाबी रंग का झोला फड़ी खड़ा सी। खुशवंत समझ गया भी ये मुंडा उन्हां दे शहर च हुणे-हुणे शुरू होई होर सेवा करन वाली कंपनी दा होएगा। ये सेवा लोकां नूं होटलों ते रेस्टोरेंट दा खाना घरों घरी पहुँचाउंदी है। तुहानूं अपने हथ यंत्र उत्ते आर्डर करना पैंदा ते कंपनी दे मुंडे अपने मोटरसाइकिलों उत्ते लद के हर तरह का पकवान तुहाडे घर जां जिथे भी तुसीं चाहुंदे हो पहुँचा दिंदे। तुहानूं अपने घरों बाहर निकलण दी लोड़ नहीं। पता नहीं इन्हां कंपनियां नूं तुहाडी सुरक्षता दी इन्नी फिकर क्यों है। ये हर वेले तुहानूं बाहर दे जोखमां तो महफूज घर अंदर ही रखना चाहुंदियां हन। जिवें बाहर हर वेले किसी महामारी का खतरा होवे ते तुसीं सिर्फ घर अंदर अपने बीवी बच्चों कोल ही सुरक्षित हो। जिवें बाहर किसी दुश्मन देश के जहाज़ बमबारी कर रहे होण ते घर अंदर बीवी बच्चों कोल ही इन्हां बंबां तो बचाव करन वाले बंकर होण। किसी वेले खुशवंत कविता ते सरगी नाल अक्सर बाहर घुम्या करता सी। बाग च, बाजार च, शहर दीयां पुराणियां मस्जिदां, मंदिरां ते गुरुद्वारियां च। शहर दे नेड़े रियासतां वेले दी रख है, वो उत्थे जंगल दीयां आवाज़ां सुनन चले जांदे। शहर तो 3 किलोमीटर दूर मसनूई झील है, उत्थे जाके प्रवासी पंछी लभदे। उदों सरगी अजे बहुत छोटी सी, पर हौली हौली जिंदगी ने उन्हां नूं घर अंदर कैद करना शुरू कर दिता। अक्सर वह कॉलेजों आके कुछ पढ़न लिखन च रुझ जाता। कॉलेज अंदर यूनीयन दियां सरगर्मियां बहुत देर तो ठप्प जियां ही सन। वो इस पासियों तकरीबन वेला है। सरगी दे स्कूल का बोझ वधिया तो कविता का भी बोझ वध गया। वो घरों निकलन तो कन्नी कतराउण लगी। ये खुशवंत दे एक घर का हाल ही नहीं सी। उहदे सारे दोस्तां ने एक दूजे नूं मिलना घट करता सी। हर हफ्ते बाहर किसी होटल जां हाते च पीण दी महफिल भी हुण लगणों हट गई। कॉलेज के दिनां तो ही खुशवंत घर नालों वध बाहर की दुनिया च विचरण वाला बंदा सी। पिंड दीयां घटनावां तो डर के पापे ने उहनूं पिंडों बाहर कढ लिया सी। पिंडों जलावतनी उहदे लई घरों जलावतनी भी बन गई। कॉलेज ते अग्गों दी पढ़ाई दौरान होस्टलां च रिहा या मुंडियां वालों रल के लए कमरियां च। दोहां तरहां दे इह टिकाणे होर जो मर्जी होण घर नहीं हुंदे। घरों बाहर दे इन्हां टिकाणियां ते रह के वो घर वालियां दी वाधू दी टोका टुकाई जां नुक्ताचीनी तो बचिया रहा। इसलिए पापे दीयां नज़रां तो दूर विद्यार्थी यूनियनां विच सरगर्म रहा। इन्हां सरगर्मियां विचों उहने भी वो इनकलाब लियाउण दा सुपना देखिया जो पहलां उहदे पिंड वाले कामरेड दयाल ने देखिया सी। कामरेड दयाल नूं भी इह इनकलाब कुछ कु महीनों की विथ उत्ते पिया जापदा सी ते कई वरियां बाद खुशवंत नूं भी अपने ते इनकलाब दरमियान विथ इन्नी कोई जापी सी। इन्ना फर्क जरूर पिया सी कि हुण इनकलाब के दरमियान कुछ होर नारे भी आ गए सन। ये नारे उन्होंने इनकलाब विरोधी जापते सी, इनकलाब के अगे वधदे कदमां नूं दहशत ज़दा करन वाले। पर इस दहशत तो मुक्त रह के बेखौफ इनकलाब जिंदाबाद कहता रहा सी। उहदे लई विद्यार्थी यूनीयन च काम करना अपनी होंद की सलामती लई जरूरी सी। ये यूनीयन उन्होंने उस बेबसी के एहसास तो मुक्त करती सी जिहड़ा उन्हें पिंड रह के हंडाया सी। विआह तो बाद भी वह प्रोफैसरां की यूनीयन के कामां लई तुरिया रहिंदा। कविता नाल उहदी तकरार चलती ही रहिंदी। हर बीवी वांग कविता चाहुंदी कि खुशवंत नौकरी तो बाद वाला समा घर नूं समर्पित करन वाला आदर्श खावंद साबित होवे। आखिर उन्हां ने अपनी मर्जी नाल एक दूजे नूं चुनिया सी। खुशवंत नूं घर अपने लिए कैद लगता रहिंदा, पर जो काम कविता दे बोल ना कर सके वो जिंदगी ने कर दिखाया। खुशवंत ने PhD शुरू की तो सुभाविक ही वध पढ़न लिखण लई उहनूं घर टिकना पिया। डिग्री मुकम्मल हुई तो उन्हें करोल बाग च प्लॉट खरीद के घर बनाना शुरू कर लिया। इस तरह से जिमें करोल बाग की उस कोठी च वो हर इट अपने आले दुआले चिण रहा सी। कोठी के मुकम्मल होने तक वो पूरी तरह घर दीयां इट्टां च चिणिया जा चुका सी। उंज भी हुण कोई प्रोफैसर यूनीयन की किसी गल ते हुंगारा नहीं सी भरदा। जगदीश के कहण अनुसार उन्होंने सरकार ने इन्नियां तनख्वाहां दे दित्तियां सी कि उन्हां दा सारा दिन उस तनख्वाह दे नोट गिणन उत्ते ही लग जांदा। अगले दिनों पहले दिन की गिणती भुल फिर नवें सिरे तो गिणती शुरू कर लेंदे। जिमें बेताल हर रोज़ विक्रम नूं सुनाउण लई नवीं बात छेड़ लैंदा सी। उन्होंने ढहाक के लैक्चरारां नूं यूनीयन के कामां लई टटोलदा तां डर नाल ही भुर जांदे। किसी कोल कोई रीढ़ की हड्डी ना लभदी। घर दीआं इट्टां 'च चिणे गए खुशवंत ने आखिर अपने आप नूं पढ़न लिखण के कामां 'च व्यस्त कर लिया, जिन्हां विचारां करके वो पहलां दुनिया 'च इधर उधर भजया फिरदा सी, हुण उहनूं उन्हां विचारां नूं किताबां 'च फैलाउण लगा। इन्हां विचारां दा अमल ही कुछ अजिहा एक वार उन्हां दी गिरफ्त विच आउण पिछों ये तुहानूं अपने आप तो मुक्त नहीं होण दिंदा है। दूसरा फायदा ये कि काम करदिआं कविता नूं भी खुश रखिया जा सकदा सी, पर दहाके कु दे अरसे च उन्हां समेत सारिआं दे जीवन दा तरीका ही इस तरह बदलिया सी कि हर कोई अपने टब्बर तक सीमित हो के रह गया सी। बाहर दे बहुते काम घर गोदी अंतर उत्ते उंगलां नाल टिक टिक करके ही होण लग पए। हुण पीले हरे गाउनां ते उनाबी झोलियां वाले मुंडियां कारण हर होटल ते रेस्टोरेंट भी उन्हां दे घर ही पहुंचण लगा सी। ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਖਤਮ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਟੰਗਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਟਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तंदूरी बाइट्स तो कुछ उरां चाह ते बीड़ी सिगरेट के खोखे हैं। इन्हां खोखियां दे आले दुआले गरीब प्रवासी मजदूर बैठे रहंदे हन। इत्थे बैठे चुपचाप अपनी भुखियां अखां नाल ब्रैड क्रम्स ला के तंदूर विच भुन्नी मुर्गे की टंग, सुनहरी मसाले वाले चीज़ टिक्के ते बारबीक्यू कीते चिकन विंग्स दीआं मूरतां छकदे रहंदे हन। लंगर वांग ही तंदूरी बाइट्स के मालकां नूं बिना दस्सिया मूरतां दे रंग उन्हां नूं असल वर्गे लजीज लगदे हन। खुशवंत नूं लग्या जे किसी दिन इस गल का पता मालकां नूं लग गया, उन्होंने इत्थे बैठण वाले सारे प्रवासी मजदूरां नूं पछाण के बिल दी वसूली दा नोटिस इन्हां दे उन्हां घरां च भेज देना जिन्हां नूं कदे तां पिछे अपने पिछले देश छड्ड आए हन ते जदों दे सरकार ने नवीं तकनीक दे कार्ड बनाए हन भुखियां अखां नूं मशीन च पा के गरीब दी असल पछाण दा पता लगण लग पिਆ। किसी वेले उन्होंने जापता हुंदा सी कि जो भी कर रहा गरीब ते भुखे लोकां लई ही कर रहा। कॉलेज पढ़दिआं एक कामरेड उन्हां दा स्कूल लाउण आउंदा सी। कामरेड दयाल दे आखण ते इह स्कूल शुरू होया सी। होस्टल दे किसी कमरे च दरवाज़ा अंदरों बंद करके वो 5-7 मुंडे कापियां फड़ के बैठ जांदे। उन्हां मुंडियां चों हुण सिर्फ जगदीश ही उहदे संपर्क विच है। स्कूल लाउण आया मास्टर कामरेड अपनी कुतरी बग्गी दाढ़ी बार बार खुरकदिआं उन्हां नूं कुछ समझाउण दा यतन करदा सी, पर उहदे बोले शब्द उन्हां दे दिल च नहीं सी खुभदे। उन्हां नूं सीधी सादी गल समझ आउंदी सी कि इस सरमाएदारी प्रबंध विच उन्हां दी लुट खसुट हो रही है, इसलिए इस प्रबंध नूं जड़ों पुट के इनकलाब करन दी लोड़ है। आपां इस इनकलाब दे सिपाही बनन लई तैयार हां। एक दिन स्कूल खत्म होण पिछों जगदीश बोलिया सी, पर इह बग्गी दाढ़ी वाले कामरेड नूं कहो अगे तो कपड़े चज दे पा के आया करे, असीं तां सुण लैंदे आं इहदी गल, कालेज 'च नहीं सुणनी किसी मुंडे कुड़ी ने, नाले असी इनकलाब बाद इदां दे कपड़े नहीं पाने, साफ गल आ। ते जगदीश दा पिओ मार्केट कमेटी विच ते चाचा सरकारी अध्यापक सी। सांझे घरां च 2 सरकारी तनख्वाहां आउंदियां सी, इसे लई जगदीश ने अपनी पैंट दी करीज कदे नहीं सी टुटण दित्ती। वाल हिंदी फिल्मां दे नवें हीरो वर्गे कटाउंदा सी। उहनूं पहली वार देखदिआं खुशवंत नूं लग्गिआ कि जे रामा इस वेले इत्थे हुंदा तां उहदिआं वालां दा स्टाइल भी कुछ इसे तर੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। जगदीश का परिवार खानदानी कामरेडा का परिवार सी, इसलिए खानदान की परंपरा अनुसार जगदीश कॉलेज आउंदियां यूनीयन विच सरगर्म हो गया सी। उहदा ज्ञान भी घर प्यो ते चाचे दीयां गल्लां विचों ही ग्रहण किया होया सी। खुशवंत समेत सारिआं नूं पता सी कि जगदीश की गल ठीक है। कॉलेज पढ़दे मुंडे कुड़ियां विचों वधेरे घर दीयां तंगीआं तुरशियां चों चंगे भविख दे सुपने लई पढ़ रहे हन। वो भी सोहणे कपड़े पाउण दे इच्छक सन। सोहणे कपड़ियां वाले लोग सुभावक ही उन्होंने अपने वाल खिंचते सन। थोड़े समय की विथ उत्ते पिया इनकलाब देखण वाले हुण बहुते लोग नहीं सन बचे। शायद उन्होंने दिसण वाला सुपना इन्ना लंबा हो गया सी कि नींद पूरी हो जाण कारण अधवाटी रह गया सी। लोकां दा ध्यान इस सुपने तो हट के उन्हां मुंडियां वाल हो गया सी जिन्हां नूं हर रोज़ पुलिस मुकाबलियां च मारिया जा रहा सी। खुशवंत ते जगदीश वर्गियां नूं भी ये इनकलाब उदों तक ही दिसदा रहा जदों तक वो पढ़दे रहे। पढ़ाई पूरी करके अगड़ पिछड़ी शहर के प्राइवेट कॉलेज प्रोफैसर लग गए। ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੂਟ ਸੈਂਡਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਡਹੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਤਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਟਾਂ ਸੈਂਡਲਾਂ ਪਰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਪਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਮਿਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਰਾਤੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਖਿਜਿਆ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ਾਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਜਗਰਾਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਸੂਟਾਂ, ਸਾੜੀਆਂ, ਸੈਂਡਲਾਂ ਤੇ ਪਰਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੌਟੀ ਹਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਡੰਗ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰਮਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਭੁੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕੀਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਛਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਤੇ ਜਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਟਾਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਂਟਮ ਭੌਤਿਕੀ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਸਾਇਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝੇ ਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਦਾ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ 3-4 ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ वो तो इतिहास के प्रोफैसर सन, उन्होंने ट्यूशन की पढ़ानी सी। खुशवंत नूं याद सी जदों विद्यार्थी सी प्रोफैसर भुल्लर सारा दिन अपना ज्ञान मुफ्त ही वंडदे सी। वो सारा दिन विद्यार्थियों च घिरे रहिंदे, कैंटीन ते चाह भी चली जाती, उन्हां दा प्रवचन भी, जिहदा भी जी करदा वो इन्हां प्रवचनां तो फायदा लै सकदा सी। पर पिछले कुछ समय तो उन्हां दे प्रवचन ठंडे हो गए सी। गल्लां बातां करदियां उन्हां खुशवंत नूं दस्सिया सी हुण नहीं कोई किसी की गल सुनदा, सब अपने आप नूं ही सियाणा मनदे आ। हैस हथ यंत्र चों सारा ज्ञान मिलन डै पिया। कहंदे चलो भाई आपां कहने आ जे आपां ही पछड़े आ तां ठीक आ, इदां ही सही। ते खुशवंत होरां दे कॉलेज कुछ वरियां तो ठंडी हो गई प्रोफैसर यूनियन दा सब तो वध फायदा उस प्रिंसीपल भारद्वाज नूं होया, जिन्हों देखदियां दरियाई घोड़ा याद आउंदा है। हुण उहनूं अपनी बहुती ऊर्जा प्रोफैसरां नूं अनुशासन च रखण ते नहीं खर्चणी पैंदी। जिस दरिया दा घोड़ा उहदे पाणियां च हुण अपनी मर्जी नाल ठिल सकदा है। सिर्फ खुशवंत ते जगदीश नूं नाराज़ नहीं करदा। नाराज़ होण तो उरां उरां दोवें भी हुण आग्याकारी रहिंदे आ। बाकी सब तो उहदे कोलों पहलां भी उस तरह डरदे सी जिवें कोई अपने बॉस तो डरदा हुंदा है। ते हुण प्रिंसीपल भारद्वाज हर वरे जमातां शुरू होण तो ते अपने दरिया च हवन कराउंदा है। स्टाफ विचों कोई विद्यक अदारे च धार्मिक कर्मकांड उत्ते अपना इतराज़ दर्ज नहीं कराउंदा। इह तां अपनी वैदिक परंपरा आ। सैशन के आरंभ में पूरे कॉलेज का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वो आप ही अपने कदम की महिमा दसदा, असी एवें इन्ने साल पछम पिछे लगे रहे हैं। हुणे राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों का फर्ज आ अपनियां परंपरावां की पछाण करनी ते होरां नूं कराउणी। राष्ट्रीय बुद्धिजीवी वजों ही वह भी हवन च अपना तिल फुल भेंट करता सी। जे कुछ वरे पहलां दी गल हुंदी तां खुशवंत ने बिना झिझक व्यंग नाल कह देना सी, हाँ जी प्रिंसीपल साहब तुहाडे दोवें न्याणे पच्छमी मुल्क की कारपोरेशन च नौकरी करदे, उन्हां गोरियां नूं भारती परंपरा ही तां सिखा रहे आ। हुण उह चुप रहण च भला समझदा है। सच बोलण लई किसी सैमीनार की स्टेज ही सब तो सुरੱਖਿਅਤ थां है। प्रिंसीपल भारद्वाज ही नहीं उस वर्गे नूं भी लोग सैमीनारां च बर्दाश्त कर लैंदे सी। खुशवंत नूं अचानक एहसास होया कि कविता ठीक आखदी सी। उहनूं ताप भी इस लई चढ़िया सी। घर की घुकी चों बाहर तो बिल्कुल बेखबर हो गया सी। अपनी किताबां की दुनिया च गवाचिया उहने अपने आप दुआले अपना ही सुपनमई ताणा पेटा उण रखिया सी। उह नवीं किताबां पढ़दा, अखबारां च रोज़मर्रा की सियासत बारे लिखदा, कॉलेज अपने सैमीनारां च उहनूं खोज पत्र पढ़न लई सद्दा दिंदे। यूनियन कारण बने मित्रां दे कालजां विचों तां उहनूं हर वरे बिना नागा सद्दा पत्र आउंदा, जिवें पहलां किसी रैली च भाषण देण समय हुंदा सी। हुण जदों सैमीनार च बोलदा तां उहनूं लगदा उह किसे वेले प्रीतू वल्लों उहनूं कड्ढीआं गालां दा जवाब दे रिहा। अज प्रीतू कित्थे है? किसी जेल च सड़दा होएगा। पर उहनूं हुण इस धरती उत्ते विद्वान होण दा रुतबा हासिल है। इसे लिए जदों उहदे वल्लों पेश हुंदे विचार उत्ते ताड़ियां वजदियां तां अपने आप दीआं नज़रां च कुछ उच्चा उठ जांदा है। उहदी छपी किताब दा किसी अखबार जां रसाले विच प्रशंसात्मक रिव्यू छपदा तां कॉलेज दे स्टाफ नूं आनी बहानी पढ़ाउंदा, दरियाई घोड़े वर्गे प्रिंसीपल भारद्वाज नूं दसदा। उहनूं अपना ही हौं कुछ शांत हुंदी दिसदी। हौली हौली उहने अपने आप नूं आप ही उच्चे सिंघासन ते बिठा लिया सी। इसे लिए जदों इस सिंघासन नूं किसी ने ठोकर मारी तां मुद्दे मूँह सिंघासन तो थल्ले आ डिगा। थल्ले उही मिट्टी सी जिस च कदे प्रीतू ने उहदा स्वैमान रोलिया सी। इस सदमे ने उहनूं ताप चढ़ाता सी। हुण भी घरों बाहर निकल के उह इस असलीयत नूं देखण दे काबल होया सी। सचमुच उह भुखे गरीब लोकां लई तां कदे भी नहीं सी लड़िया। उह तां हमेशा अपनी भुख ते अपनी बेबसी दे विरुद्ध ही लड़दा रहा सी। इसे लिए उह सैमीनारां च तत्तियां तत्तियां गल्लां करदा, अखबारां रसालियां च युग बदलण वाले विचार बेबाकी नाल लिखदा। असल जिंदगी च दरियाई घोड़े वर्गे प्रिंसीपल भारद्वाज सामने चुप कर जाता सी। उहनूं लग्या बेशक घरों बाहर औरतां ते बजुर्गां हत्थों हथ यंत्र खोंदियां बलावां सन, नेजियां वर्गे खड़े वालां वाले सन, गलियां चों निकलदे तेज़ रफ्तार स्कूटर मोटरसाइकल रूपी गोले सन। पर जिंदगी दी हलचल भी तां इत्थे ही सी। अज उह जो भी सी उह घरों बाहर निकलण दा ही तां नतीजा सी। शुक्रिया कविता, उहदा आखण नूं जी कीता। कविता ने उहनूं उहदा मनपसंद हल्के आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पुआ के अज 4 दिनां बाद घरों बाहर कढिया सी। शायद ये 4 दिन नहीं 4 युग सन। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦਾ।